हेलो दोस्तों, आज हम बात करें इंडियन कार मार्केट की। तो दोस्तों, इंडियन कार मार्केट के अंदर जब 40% न्यू कार बिकती है तो उसके सामने 60% यूज्ड कार इधर से उधर होती है। तो दोस्तों क्यों, क्या रीजन है उसका? तो दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली को नई कार या कोई भी कार का मेंटेनेंस महंगा पड़ता है, उसको परवड़ता नहीं है। तो दोस्तों, इसकी वजह से लोग यूज कार लेना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, यूज कार खरीदने के टाइम पर आपको बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि कार खरीदने के बाद अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो दोस्तों, वो आपको इससे भी महंगा पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने आपने कार का इंस्पेक्शन सही किया है और आप एक अच्छी कार खरीद के लाते हो, एक पुरानी अच्छी कार खरीद के लाते हो, तो ये फैसला आपके लिए सही साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सही इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो इंस्पेक्शन कैसे करते हैं? आप बोल रहे होंगे कि मेरे को तो कार के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं? आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये इंस्पेक्शन के बारे में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं कि कार का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफली मोटे मोटे जो भी पॉइंट्स है वो मैं आज कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, जो लोग पुरानी कार खरीदना चाहते हैं और जो लोग जानना चाहते हैं कि पुरानी कार खरीदने से पहले हमको क्या क्या चीज जानना इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप मत करिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट मिस किया तो गड़बड़ हो सकती है। और दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, आप नई कार अगर खरीदते हो, कोई भी नई कार खरीदने के बाद 6 महीने के बाद उसकी प्राइस 25-30% ऐसे ही ड्रॉप हो जाती है। इसलिए दोस्तों, पुरानी कार का मार्केट अभी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, चलते हमारे वीडियो के ऊपर आगे। तो दोस्तों, कार इंस्पेक्शन टाइम पे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, क्या उम्मीद रखते हो? तो दोस्तों, उसमें पहले नंबर पे है ऑल डॉक्यूमेंट क्लियर। मतलब ये जरूरी है, 100% ये इंपॉर्टेंट है, ऑल डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे है मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन 15 साल का रहता है, तो हमको मैक्सिमम वो यूज करने के लिए हमको मिले, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे नंबर पे है नॉन एक्सीडेंट कार, मतलब उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां पर मैंने जहां जहां पर स्टार लगाया हुआ है, रेड स्टार, वो 100% आपको श्योर करना है। अगर इनमें आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो डोंट बाय दिस कार, ये क्लियर है, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है मत लो। नॉन एक्सीडेंट कार, अगर एक्सीडेंट कार आपको है मिल रही है, डोंट बाय। उसके आगे हम देखते हैं ओरिजिनल पेंट, तो उसका पेंट ओरिजिनल होना चाहिए, रिपेंट कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रिपेंट जो हुआ है वो ज्यादा टाइम पेंट टिकता नहीं है, वो पेंट क्रैक होने के बाद वो तुरंत निकल जाता है, उसके ऊपर रस्ट लग सकते हैं। तो दोस्तों, डोंट बाय दिस कार रिपेंट। उसके आगे हम बात करते हैं कंपनी फिट इंजिन, मतलब अगर आप कार खरीदने जाते हो, आपको नया बनाया हुआ इंजन मिल रहा है, कंपनी फिट नहीं है, इंजन फिर से बनाया हुआ है, डोंट बाय दिस कार, मैं बोलता हूं मत लो। उसके आगे है मैक्सिमम यूज्ड किलोमीटर, सॉरी मिनिमम यूज्ड किलोमीटर, मतलब कम से कम किलोमीटर चली हुई कार, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं 1700 किलोमीटर के नीचे अगर आप कार लोगे ठीक है, उसके ऊपर मत लो तो अच्छा है, बाकी फैसला आपके ऊपर डिपेंडेड है।
उसके बाद है ओनरशिप। ओनरशिप दोस्तों बिकम सेकंड ओनर, फर्स्ट ओनर कैसे, फर्स्ट ओनर के बाद आप सेकंड ओनर बनो, थर्ड ओनर फोर्थ ओनर मत बनो। मैं सजेस्ट करता हूं फैसला आपके ऊपर। उसके बाद है एफोर्डेबल बजट, मतलब आपका जो बजट है उसके अंदर वो आना चाहिए। पुरानी कार के अंदर दोस्तों लोन करके कार मत लो, मैं सजेस्ट करता हूं, क्योंकि यूज कार के अंदर जब आप लोन करते हो तो लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है दोस्तों। आपका जितना बजट है उसके अंदर ही कार आप सिलेक्ट करो, वही ठीक है। तो दोस्तों इंस्पेक्शन एक्सपेक्टेशन की बात हमने क्लियर किया, उसके बाद हमने इंस्पेक्शन की बात करते हैं। तो इंस्पेक्शन के अंदर पहले नंबर पे मैं प्रायोरिटी देता हूँ बॉडी को, क्यों दोस्तों, मेरे हिसाब से बॉडी कार का मेन पार्ट है। अगर वो ठीक नहीं है तो कोई भी पार्ट और किसी का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सब कुछ टिका हुआ है बॉडी के ऊपर। तो दोस्तों बॉडी के अंदर हमको क्या क्या चीज़ ध्यान देना है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले नंबर पे है मेजर एक्सीडेंट्स, तो बॉडी के अंदर मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा है मेजर डैमेज, तीसरा है मेजर क्रैक, और चौथा है मेजर रस्टी। ये चार चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर हमको चेक करना है। तो पहले नंबर पे है इंजन बॉडी माउंटिंग्स, तो इंजन का जो तीन माउंटिंग्स लगा हुआ रहता है बॉडी के ऊपर, वहाँ पर हमको देखना है। क्या देखना है, ये चार पॉइंट देखना है, मेजर एक्सीडेंट्स, मेजर डैमेज, मेजर क्रैक और मेजर रस्टी। ये चार पॉइंट हमको देखना है इंजन बॉडी माउंटिंग्स के पास। दूसरे नंबर पे फ्रंट स्टड बॉडी माउंटिंग्स, मतलब गाड़ी के फ्रंट स्टड है वहाँ पर कोई मेजर रस्ट, मेजर क्रैक, मेजर डैमेज नहीं होना चाहिए। इसके आगे है लोअर आर्म माउंटिंग, तो दोस्तों गाड़ी के नीचे जो लोअर आर्म रहते हैं वहाँ पर ये चार चेक पॉइंट है वो हमको चेक करना है। उसी तरह है गाड़ी के हम पीछे जाएंगे तो डेड एक्सल बॉडी माउंटिंग, हमारा जो डेड एक्सल रहता है वहाँ पर कोई मेजर रस्ट, मेजर डैमेज, मेजर क्रैक ये सब नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है ओवरऑल बॉडी, मतलब पूरी बॉडी एक राउंड लगा के आप चेक करो कहीं पर मेजर रस्ट, मेजर क्रैक, मेजर डैमेज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों बॉडी के अंदर ये आप लोग समझ गए, इतना पॉइंट्स आपको चेक करना है। अगर आपको कोई मेजर दिखता है कि मेजर क्रैक है, मेजर एक्सीडेंट है, मेजर डैमेज है, तो दोस्तों डोंट बाय दिस कार, स्किप करो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इंजन के बारे में। तो दोस्तों इंजन के अंदर हमको क्या क्या चेक करना है, पहले नंबर पे नॉइस, दूसरे नंबर पे हीटिंग, तीसरे नंबर है पुअर पिकअप और चौथे नंबर है स्मोकिंग। ये चार पॉइंट आपको इंजन कंपार्टमेंट के अंदर, इंजन के अंदर आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है दोस्तों, तो पहले नंबर पे है आफ्टर कार इंजन हीट एंड साउंड नॉट बी चेंज, इसका मतलब है कार इंजन को आपको गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपको देखना है कार इंजन का साउंड चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर आपकी कार का इंजन सही रहेगा तो उसका साउंड, उसका फायरिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा। उसी तरह दूसरा पॉइंट है हमारा ऑयल स्पिलेज इन कार इंजन, मतलब कहीं पर ऑयल निकलता नहीं है आपके इंजन में, वो आपको चेक करना है। तीसरे नंबर पे है एनी मेजर रिवर्क, वो देखने से आपको पता चल जाएगा इसमें कुछ मेजर रिवर्क हुआ है कि नहीं, मतलब इंजन फिर से बनाया हुआ है या कुछ हाफ इंजन बनाया है, फुल इंजन बनाया है, ऐसा कुछ मेजर रिवर्क नहीं होना चाहिए। उसके आगे है ड्राइव कार एंड चेक पुअर पिकअप, मतलब कार को ड्राइव करना है
और आपको उसका पिकअप चेक करना है कि पिकअप सही है या नहीं है। उसके बाद है स्मोकिंग कार बाय साइलेंसर, मतलब साइलेंसर से आपकी कार धुआं तो नहीं कर रही है, वो आपको चेक करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा धुआं निकल रही है तो कार के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसके आगे है आफ्टर इंजन हीट ऑयल लेवर स्टिक एंड चेक स्मोक, रिमूव ऑयल लेवर स्टिक, सॉरी। तो क्या करना है इसमें दोस्तों, इंजन गर्म करने के बाद गाड़ी को ऑफ करना है, इंजन ऑफ करने के बाद ऑयल लेवर स्टिक को बाहर निकालना है और वहां से धुआं निकलता है कि नहीं वो आपको चेक करना है। उसके बाद हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। तो दोस्तों सस्पेंशन एक चीज ऐसी है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया आप नया सस्पेंशन बनाने के लिए जाएंगे तो खर्चा आपके लिए बहुत बड़ा खर्चा साबित हो सकता है दोस्तों, इसलिए सस्पेंशन का इंस्पेक्शन बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों सस्पेंशन के अंदर आपको क्या चेक करना है, ट्रायल लेना है रोप रोड पे, मतलब खराब रास्ते पे, एंड नॉइस चेक करना है, कौन सा नॉइस, डबल नॉइस, मतलब खटक खटक खटक, ये नॉइज आपको ध्यान रखना है। डबल नॉइज अगर साउंड करता है तो आपके जितने भी अंदर रबर के जो ग्रोमेट्स लगे हुए हैं उसके अंदर जो प्ले बनती है तो डबल साउंड करती है। तो दोस्तों ये पहला चेक पॉइंट है। दूसरा चेक पॉइंट हमारा है कार वन साइड पुलिंग, मतलब स्टीयरिंग व्हील को अगर आप ढीला छोड़ोगे कार एक साइड पुल करेगी, वन साइड पुलिंग नहीं होना चाहिए दोस्तों। तीसरे नंबर पे प्ले इन स्टीयरिंग व्हील, मतलब स्टीयरिंग व्हील के अंदर प्ले नहीं होना चाहिए। और चौथे नंबर पे है चेक और स्टार्ट लीकेज, मतलब गाड़ी के जो हमारे जम्पर रहते हैं चार जम्पर उसके अंदर ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये हमारे रहे सस्पेंशन के चेक पॉइंट्स। तो दोस्तों अभी आगे हम बात करते हैं पेंट के बारे में। तो दोस्तों पेंट भी कार का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पेंट के अंदर क्या क्या चेक करना है पेंट के अंदर, तो पहले नंबर पे है पेंट रस्टी, तो पेंट रस्टी नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ क्या बोलते हैं कुछ रस्ट लगा हुआ है, ऐसी कंडीशन में वो आपको ध्यान रखना है, अगर कुछ रस्ट है तो उसके अंदर आप कुछ बार्गेनिंग कर सकते हो। दूसरे नंबर पे है पेंट मिसमैच, मतलब मिसमैच मतलब आपका फेंडर रहता है आपका डोर रहता है, या आपका एक डोर और दूसरा डोर उसके अंदर पेंट का कलर मिसमैच नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा रहता है तो उसका मतलब है कि कोई भी एक पार्ट में पेंट रिपेंट हुआ है। उसके बाद बात करते हैं पेंट क्रैक। तो दोस्तों यहाँ पर पेंट अगर क्रैक रहता है तो उसका मतलब है ये कंपनी कलर नहीं है, ये पेंट रिपेंट हुआ है। तो दोस्तों अभी इसके आगे हम बात करते हैं टायर के बारे में। तो दोस्तों टायर के अंदर हम बात करें तो जब आप पुरानी कार खरीदते हैं तो दोस्तों 50% के ऊपर मैं सजेस्ट करता हूँ कि टायर 50% के ऊपर ही आप सिलेक्ट करो। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे है वन साइड वन टायर, मतलब एक साइड से घिसा हुआ टायर है तो थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, कार के अंदर हम टोप और कैम्बर फ्रंट व्हील का सेट करते हैं, लेकिन दोस्तों पीछे की साइड में जो पीछे का जो टायर लगा हुआ है उसका टो और कैम्बर सेट नहीं होता है, वो एडजस्टेबल नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको पीछे की साइड में एक साइड से अगर टायर आपका घिसता है तो प्रॉब्लम आपको परमानेंट फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बारे में आप थोड़ा केयरफुल रहिए, और अगर पीछे की साइड में अगर ये प्रॉब्लम रहता है तो डोंट बाई दिस कार, अदरवाइज आपको परमानेंटली वो प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। उसके आगे है एयर इन टायर, अगर टायर के अंदर एयर रहती है वो आपको कैसे पता चलेगा, गाड़ी को फुल स्पीड में भगाओ, गाड़ी आपका डैशबोर्ड के साथ पूरी गाड़ी आपकी वाइब्रेशन करेगी तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा ये पूरे भी टायर के अंदर एयर है, और आप उसको विजुअली देखोगे टायर को तो उसमें आपको वो एयर
नजर आएगा। तो उसके आगे हम बात करते हैं अभी इलेक्ट्रिक फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फंक्शन कार का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप ध्यान रखो क्योंकि इसकी वजह से भी आप कोई बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो उसमें पहले नंबर पे है एसी एंड हीटर वर्किंग। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फंक्शन के अंदर एसी और हीटर आपको कंपलसरी चेक करना है, क्योंकि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अभी बंद है, फिलहाल बंद है, आप ऐसे सोचेंगे कि वो करवा लेंगे, लेकिन जब आप करवाने के लिए जाएंगे तो इतना इसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। इसके लिए एक इसके बारे में केयरफुल रहे। दूसरे नंबर पे है पावर विंडो, पावर विंडो चेक कर लीजिए। उसके बाद है सेंटर लॉक, उसके बाद है हेडलाइट्स। तो हेडलाइट्स के अंदर पार्किंग लैंप है, लो बीम है, हाई बीम है, इंडिकेटर्स है। उसके बाद है टेल लैंप, मतलब पीछे का लैंप, उसके अंदर पार्क लाइट है, इंडिकेटर है, रिवर्स लाइट है। उसके बाद है इंटीरियर लाइट्स, इंटीरियर लाइट्स के अंदर रूफ लाइट, मतलब आपका जो रूम में जो लाइट लगा हुआ है ये। उसके बाद है ट्रंक लाइट, मतलब ट्रंक मतलब आपके पीछे डिक्की है, डिक्की के अंदर आपका लाइट जल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप खरीद के लेके आ गए, आपने सोचा कि वो हम करवा लेंगे, आप मैकेनिक के पास गए करवाने के लिए और आपको अगर कुछ वायरिंग बर्न मिला, आपको पता नहीं है अंदर वायरिंग पूरा जला हुआ है या, तो आपको क्या करेंगे, आपको पूरा वायरिंग फिर से करवाना पड़ेगा। इससे दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फंक्शन आप चेक कर लीजिए, अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम है जो बात कीजिए आप, और उसमें कुछ बार्गेनिंग हो सकता है तो आप कह सकते हैं या उसकी क्लियरिटी आप ले सकते हैं। इसमें कुछ बड़ा इश्यू तो नहीं है, क्यों बंद है, अगर एसी बंद है आप पूछ सकते हैं क्यों बंद है, कितने दिन से बंद है। तो दोस्तों इसी तरह आप अगर कोई यूज कार खरीदते हैं तो इसी तरह दोस्तों आप पूरा इंस्पेक्शन कर सकते हैं और एक अच्छी कार आप खरीद के ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।